हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th कक्षा 11 का विषय है पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है खंड ए राजनीति विज्ञान के मूल आधार की इकाई 3 का अध्याय 7वां, जिसका नाम है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, दैवीय शक्ति, मातृ व पितृसत्तात्मक। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अध्याय। राज्य की उत्पत्ति राजनीति शास्त्र की एक अनसुलझी गुत्थी है, यानी कि एक अनसुलझी हुई गुत्थी है। इस विषय में लेखकों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लेखक इसे मनुष्य में निहित राजनीतिक चेतना का परिणाम मानते हैं। गॉर्नर के अनुसार वे परिस्थितियाँ जिनमें आदि मानव में प्रथमतः राजनीतिक चेतना का अनुभव किया और उससे प्रेरित होकर राजनीतिक संगठन के अधीन होते हुए राज्य की उत्पत्ति की और आगे बढ़े। इतिहास के कालखंडों में हुई घटनाओं और परिस्थितियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। राज्य की उत्पत्ति के विषय में व्यक्त किए गए मुख्य सिद्धांत राज्य है उसकी उत्पत्ति के विषय में, मतलब कुछ जो सिद्धांत हुए हैं, जो व्यक्त हुए हैं, वो हम देखेंगे। तो पहला सिद्धांत कौन सा है? देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? राज्य को क्या मानते हैं? देवीय उत्पत्ति मानते हैं, यानी कि यह क्या हुआ है, मतलब देवता से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मानते हैं देवीय उत्पत्ति सिद्धांत में। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य की उत्पत्ति का यह सबसे प्राचीन यानी कि पुराना और एक काल्पनिक सिद्धांत है। काल्पनिक यानी कि जिसकी कल्पना की जाती है उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति क्या है? सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है और यह क्या है? एक काल्पनिक सिद्धांत है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि राजा ईश्वर की रचना है। और यह सिद्धांत किस पर आधारित है? इसमें इस सिद्धांत में क्या माना जाता है कि जो राजा है वो क्या है? ईश्वर की रचना है, यानी कि भगवान के द्वारा रचित है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। और यह जो राजा होता है, जो किंग होता है, वो धरती पर पृथ्वी पर क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी कि ईश्वर ने उसे वहां पर भेजा है, वह उसका प्रतिनिधि है। राजा के माध्यम से ईश्वर पृथ्वी पर शासन करता है। और राजा के माध्यम से क्या करता है? जो ईश्वर होता है, जो भगवान होता है, वो धरती पर क्या करता है? शासन करता है। राजा अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त करता है। और राजा क्या करता है? ईश्वर से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है और केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसमें क्या है, मतलब जो राजा होता है वो किसका प्रतिनिधि है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। और राजा अपनी सारी शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करता है? ईश्वर से करता है। और ईश्वर के प्रति ही वह उत्तरदायी होता है, यानी कि उसका जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, वह सिर्फ ईश्वर के प्रति या भगवान के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसा कहाँ माना जाता है? देवी उत्पत्ति सिद्धांत में माना जाता है। राजा अपने कार्यों के लिए किसी मानवीय संस्था या लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और देवी सिद्धांत में क्या माना जाता है कि राजा अपने कार्यों के लिए किसी भी मनुष्य यानी कि किसी भी मानव और मानवीय संस्था या लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं है, सिर्फ भगवान के प्रति या ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। इस सिद्धांत के समर्थकों में यहूदी सर्वप्रथम थे। ग्रीस और रोम ने भी इस सिद्धांत को मान्यता दी। भारतीय परंपरा के अंतर्गत महाभारत के शांति पर्व में देवी सिद्धांत का संकेत मिलता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि इसे लोक व अराजकता फैल जाने के कारण, जब लोग इधर उधर भाग रहे थे, यानी कि जब दुनिया में या लोक में क्या हुआ, अराजकता फैल गई और जब लोग इधर उधर भाग रहे थे, तब प्रभु ने क्या किया, यानी कि भगवान ने क्या किया? राजा का सृजन किया। राजा का सृजन क्यों किया? ताकि जब क्या हुआ कि मतलब दुनिया में या लोक में क्या हुआ, अराजकता फैल गई, तो लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो भगवान ने, मतलब ऐसा माना जाता है कि भगवान ने उन सबका कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए क्या किया? राजा का सृजन किया, राजा की रचना की। बाइबल ईश्वर को समस्त शक्तियों का स्रोत और राजा को उसका प्रतिनिधि मानता है। भारत में राजा को सूर्य पुत्र और नेपाल में विष्णु का अवतार कहा गया है। रॉबर्ट फिल्मर ने अपनी पुस्तक पैट्रियाकी में आदम को पृथ्वी पर पहला राजा माना है, यानी कि रॉबर्ट फिल्मर जो विचारक है, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है पैट्रियाकी, उसमें आदम को कौन माना है? पृथ्वी पर सबसे पहला राजा माना है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम अपनी पुस्तक टूल्स ऑफ फ्री मोनाकिर्ज में लिखा है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की श्वास लेती प्रतिमाएं हैं। यानी कि वो क्या मानते हैं, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम क्या मानते हैं कि जो जो राजा है वो धरती पर ईश्वर की श्वास लेती, यानी कि जीवित एक
प्रतिमा या जीवित एक मूर्त है या मूर्ति है। राजा कभी दुराचारी नहीं होता, यानी कि राजा कभी दुराचारी नहीं होता, ये कौन मानते हैं? इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम मानते हैं। एक दुष्ट राजा के आचरण की जांच ईश्वर के द्वारा की जा सकती है, और मतलब जो जो दुष्ट राजा यानी कि जो बेकार जो राजा होते हैं उनके आचरण की जांच ईश्वर के द्वारा की जा सकती है, और ईश्वर ने अगर किसी को राजा बनाया तो उसे पूरे उसमें उसके आचरण को पहचाना है फिर उसे राजा बनाया है, ये कौन मानते हैं? इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ऐसा मानते हैं। इसी प्रकार फ्रांस के राजा लुई 14वें ने इस सिद्धांत का समर्थन किया और कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है, यानी कि उसकी परछाई है या प्रतिबिंब है। अब हम देखेंगे बच्चों की देवी सिद्धांत की विशेषताएं, कि उसमें देवी जो सिद्धांत है उसमें क्या क्या प्रमुख विशेषताएं है। राजा निर्मित संस्था है, यानी कि राज्य क्या है? ईश्वर निर्मित संस्था है। तो देवी सिद्धांत क्या कहता है, क्या मानता है कि जो राज्य है वो क्या है? ईश्वर निर्मित संस्था, यानी कि इसे किसने बनाया है? ईश्वर के द्वारा यह बनाई गई है और यह ईश्वर के द्वारा भगवान के द्वारा निर्मित संस्था है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, और देवी सिद्धांत क्या कहता है कि जो राजा है जो किंग है वो भगवान का ही प्रतिनिधि है। राजा अपने अधिकार सीधे ईश्वर से प्राप्त करता है, यह देवीय गुणों से युक्त है, और जो राजा है वो अपने जो अधिकार है वो किससे प्राप्त करता है? सीधे भगवान से प्राप्त करता है, और जो राजा है वो देवीय गुणों से यानी भगवान के गुणों से युक्त है। देवी यानी देवता जो होते हैं वो देवता गुणों के देवताओं में जो गुण होते हैं उनसे जो राजा है वो भी युक्त है, ये कौन मानता है? देवी सिद्धांत यह मानता है। चौथा है राजसत्ता निरंकुश है, कोई भी मानवीय इकाई इसे चुनौती नहीं दे सकती। जिस प्रकार ईश्वर जो भी करता है ठीक करता है, वैसे ही राजा भी कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, ये देवी सिद्धांत कहता है। पांचवा है राज्य शासन और राजा तीनों एक रूप है। छठा है राजपथ वंशानुगत है, प्रजा इस अधिकार को छीन नहीं सकती, यानी कि देवी सिद्धांत क्या कहता है कि जो राजपद है यानी कि जो राजा का पद है वो वंशानुगत है, यानी कि जैसे पहले परदादा फिर दादा फिर उसका पुत्र फिर उसका पोता, तो इस प्रकार जो राजपद है वो क्या है? वंशानुगत है, यानी कि जो प्रणाली है वो वंशानुगत है, और प्रजा इस अधिकार को छीन नहीं सकती, यानी कि उससे नहीं छीन सकती, वो जैसा राज्य जैसा शासन चलाना चाहेगा वह चला सकता है, उसे प्रजा छीन नहीं सकती। प्रजा यानी कि जनता, उस राज्य में रहने वाली फिर जो लोग होते हैं उसे प्रजा या जनता कहते हैं। राजाओं की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा के लिए अनिवार्य है, और देवी सिद्धांत की विशेषता क्या है कि राजा की आज्ञा का पालन करना, राजा की बातों को मानना, उसके आदेशों का पालन करना ही प्रजा के लिए अनिवार्य है या उचित है। अब हम देखेंगे बच्चों की देवी सिद्धांत का प्रयोग कहाँ हुआ है और किस प्रकार हुआ है। पहला है राजाओं ने अपनी शक्ति मजबूत करने और लोगों के अंध भक्ति प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया है। दूसरा लोकतंत्र के विरोध के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तीसरा राजा और पोप के संघर्ष में राजा को श्रेष्ठ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। अब हम देखेंगे बच्चों की जो देवीय सिद्धांत है उसके पतन के क्या क्या कारण रहे। सामाजिक समझौता सिद्धांत का उदय, जिसने यह प्रतिपादित किया कि राज्य देवी सिद्धांत ना होकर एक मानवीय संस्था है, यानी क्या हुआ? सामाजिक समझौता सिद्धांत का उदय हुआ, जिसने यह प्रतिपादन किया कि राज्य देवी सिद्धांत नहीं है, वो एक मानवीय संस्था है, और मानव क्या कर रहा है? अपने हितों को साधने के लिए इसे क्या बताता है? ईश्वर का प्रतिनिधि बताता है। दूसरा है राजा और चर्च में चले संघर्ष ने भी इसके पतन में भूमिका निभाई, यानी कि राजा और चर्च में जो संघर्ष चला, जो झगड़ा चला, उसने भी क्या किया इसके पतन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा है प्रजातांत्रिक विचारधारा के उदय के कारण भी इस सिद्धांत ने अपना महत्व खो दिया। अब हम देखेंगे बच्चों इसकी आलोचना। पहला है अनैतिहासिक, ये क्या है? अनैतिहासिक है, इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता, यानी कि कोई सबूत नहीं मिलता कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी कि जो हमारी हिस्ट्री है जो हमारा इतिहास है उसमें कहीं भी ये कोई प्रूफ नहीं मिलता, कोई भी सबूत नहीं मिलता कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। यह सिद्धांत राजनीतिक चेतना, आर्थिक आवश्यकता, रक्त संबंध आदि की भी उपेक्षा करता है। दूसरा है निरंकुशता का पोषक, यह सिद्धांत राजा को निरंकुश और अत्याचारी बनाता है, क्योंकि जनता राजा को हटाने में असमर्थ होती है, यानी कि यह क्या बताता है? यह निरंकुशता का पोषक बताता है, क्योंकि जनता इसे हटा नहीं सकती, और वह अत्याचारी बनाता है क्योंकि वो वंशानुगत प्रणाली चलती रहती है। तीसरा है प्रतिक्रियावादी, यह सिद्धांत लोगों में अंधभक्ति पैदा करता है जो विवेक सिद्धांत के विरुद्ध है।
चौथा है प्रजातंत्र विरोधी है, सिद्धांत जनता को किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं देता और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करता, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। पांचवा है यह सिद्धांत केवल राजतंत्र पर लागू होता है, जनतंत्र पर लागू नहीं होता। तो बच्चों हमने देखी देवीय सिद्धांत की आलोचना, अब हम देखेंगे कि देवीय सिद्धांत का महत्व क्या है। इस सिद्धांत का अपने एक विशेष महत्व रहा है, यानी कि इसका एक अपना ही विशेष महत्व यानी कि महत्वपूर्ण महत्व है। सभ्यता के प्रारंभिक काल में जब राज्य की प्रमुख समस्या सुरक्षा और व्यवस्था थी, उस समय इस सिद्धांत ने समाज को अराजकता से बचाकर लोगों को राजा के नेतृत्व में संगठित किया। यानी कि जब क्या हुआ था, जब राजा मतलब राज्य की प्रमुख समस्या सुरक्षा और व्यवस्था थी, तब क्या किया सिद्धांत ने राजा के नेतृत्व में इस प्रकार का संगठन किया कि जिससे लोगों को बचाते थे राजा, मतलब लोगों को अत्याचार से बचाते थे राजा, अपने राष्ट्र में निवास कर रहे लोगों पर अत्याचार नहीं होने देते थे या फिर उनका उनके रक्षा उनकी रक्षा करते थे। जिस समय नैतिक सामाजिक और आर्थिक आदर्शों का अभाव था, उस समय धर्म ने सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन दिया है। तो ये है इसका महत्व। अब हम आगे देखेंगे बच्चों के पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक सिद्धांत ये क्या है। अनेक विद्वानों की राय में राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई है, यानी कि अनेक विद्वान अनेक विचारक क्या मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, परिवार से हुई है, यानी कि फैमिली से हुई है। पारिवारिक परिवेश में आज्ञा पालन सत्ता आदि का रूप देखा जा सकता है, और हमारा जो भारतीय पारिवारिक परिवेश जो होता है उसमें आज्ञा पालन यानी कि आदेशों का पालन करना सत्ता आदि का रूप देखा जा सकता है। यानी कि जिस प्रकार हम अपने बड़ों की बात मानते हैं, और हमारे जो घर का मुखिया होता है वो मतलब हमारे सबसे बड़ा जो बुजुर्ग होता है वो होता है, तो हम उसी आज्ञा का पालन करते हैं। तो पारिवारिक परिवेश में क्या होता है, आज्ञा पालन सत्ता आदि का रूप देखा जा सकता है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार और ग्रामों का समुदाय है, यानी राज्य क्या है, परिवार और ग्रामों यानी कि गांवों का समुदाय है, जिसका लक्ष्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन है। इसका लक्ष्य क्या है, पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन। अरस्तु के अनुसार जब अनेक परिवार संयुक्त हो जाते हैं तो ग्राम का निर्माण होता है। और अरस्तु क्या कहते हैं कि जब बहुत सारे परिवार इकट्ठा हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं या मिल जाते हैं, तो क्या होता है, गाँव का निर्माण होता है। अर्थात गांव से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है, और इस सिद्धांत के दो पक्ष है, पहला है पितृसत्तात्मक सिद्धांत और दूसरा है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। तो बच्चों अब हम देखते हैं पितृसत्तात्मक सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत का उल्लेख हमें यूनान रोम और यहूदियों के प्राचीन इतिहास में देखने को मिलता है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हेनरी मेन हैं। यहूदियों की धार्मिक पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल रोम और भारत में भी यह सिद्धांत देखने को मिलता है। हेनरी मैन के अनुसार प्राचीन समय में समाज परिवारों का समूह था, यानी समाज क्या था, परिवारों का समूह था, यानी परिवारों का ग्रुप था, और उस परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है, वह व्यक्ति परिवार का पेट्रीआर्क यानी कि मुखिया होता था। पहला परिवार पुरुष, उसकी स्त्री और बच्चे थे। पहला परिवार कौन था, पुरुष, उसकी बीवी यानी कि उसकी स्त्री और बच्चे थे। धीरे धीरे परिवारों की संख्या में वृद्धि होती गई, परंतु परिवारों पर मूल परिवार के मुखिया का अधिकार बना रहा। इसके उत्तराधिकारी का भी इन परिवारों पर नियंत्रण था, यानी कि जो इसके उत्तराधिकारी थे, जो उससे जिससे उत्पन्न होने वाली जो संतान थी, उसका भी इन परिवारों पर क्या था, नियंत्रण बना रहा, यानी कि इनका कंट्रोल बना रहा। धीरे धीरे पितृप्रधान परिवार का विकास हुआ, और परिवार से गोत्र और गोत्र से कबीलों का निर्माण हुआ, और कबीलों से राज्य की उत्पत्ति हुई। कबीले का सबसे वृद्ध व्यक्ति मुखिया का चुनाव करता था, और जो कबीले का जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता था, जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती थी, जो सबसे बुजुर्ग होता था, वह क्या करता था, मुखिया का चुनाव करता था। ली कॉक ने परिवार से राज्य के विकास को इस प्रकार व्यक्त किया है, पहले एक गृहस्थी, उसके बाद एक पितृप्रधान, उसके पश्चात एक वंश के लोगों का कबीला, और अंत में एक राष्ट्र। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? तो परिवार का पेट्रियार्क कौन होता है, पुरुष था, यानी कि उनका मुखिया, परिवार का मुखिया पुरुष था। परिवार की वंश परंपरा पिता से चलती थी। परिवार में विवाह प्रथा स्थायी थी, कहीं बहुपत्नी कहीं एकल पत्नी प्रथा थी, यानी परिवार में विवाह प्रथा थी वो स्थायी थी यानी फिक्स थी, और कहीं पर कैसी प्रथा थी, मतलब बहुत सारी पत्नियां रखने की, 4, 5, 7 ऐसी पत्नियां रखने की प्रथा थी, और कहीं पर एक पत्नी रखने की ही प्रथा थी।
रक्त संबंध परिवार के सदस्यों की एकता का मुख्य था। परिवार में मुखिया की शक्तियां निरपेक्ष थी। राज्य के विकास का आधार पितृ प्रधान व्यवस्था थी। अब हम देखते हैं बच्चों की पितृ सत्तात्मक जो सिद्धांत है उसकी जैसे विशेषताएं हैं और जिस प्रकार उसका महत्व है उस प्रकार उसकी बहुत सारी आलोचनाएं, उसकी बुराइयां और कमियां भी हैं जो हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं इसकी आलोचना। पितृ प्रधान सिद्धांत सब जगह विद्वान नहीं है, यानी कि सभी जगह पर विद्वान नहीं है, सभी जगह उपस्थित नहीं है। यह व्यवस्था पूरे विश्व में नहीं थी। एशिया और ऑस्ट्रेलिया में तो मातृ प्रधान व्यवस्था के उदाहरण मिलते हैं, यानी कि मातृ प्रधान व्यवस्था के उदाहरण मिलते हैं। ये पूरे विश्व में स्थापित या विद्वान नहीं थी, नहीं है। प्रारंभिक सामाजिक इकाई कबीला थी, और प्रारंभिक सामाजिक इकाई कौन सी थी? कबीला। मार्गन, मैक्सवेल आदि के अनुसार प्रारंभिक सामाजिक इकाई कबीला थी। कबीला टूटने पर गोत्र और गोत्र से परिवार का निर्माण हुआ। इसके अनुसार वंश स्त्री से चलता था, पुरुष से नहीं। अत्यंत सरल, ये एक सरल सिद्धांत है, जबकि राज्य की उत्पत्ति जटिल विकास का परिणाम है। इसमें अनेक छोटे और बड़े तत्वों का योगदान है। यह सिद्धांत राजनीतिक कम और समाजशास्त्री अधिक लगता है। अब हम देखेंगे कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत का क्या महत्व है। इन सभी आलोचनाओं के बाद भी यह कहना निरर्थक है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं है कि हमें सत्य का कोई अंश नहीं है, कि इसमें सत्य का कोई अंश नहीं है, यानी सत्य का, सच का इसमें कोई भी भाग नहीं है। राज्य की उत्पत्ति का विकास वादी सिद्धांत भी इस बात को स्वीकार करता है कि राज्य के विकास में रक्त संबंध का अत्यधिक महत्व रहा है। समाज में परिवार संगठन एकता की प्रमुख इकाई थी। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने पढ़ा है हमारा अध्याय राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, देवीय शक्ति और पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो बच्चों, हमारा जो एक मात्र सत्तात्मक सिद्धांत रह गया है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, वो इसी चैप्टर का पार्ट है। तो चलिए बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।